राजस्थान से अगली कॉलर है सुनीता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार नमस्कार। जी, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। अकीम साहब, मुझे बहुत पसंद आता है आपका प्रोग्राम। जी शुक्रिया। मेरा जी मुझे पसंद करते हैं या इनको? ये खूबसूरत है बहुत। जी ये खूबसूरत है, और हमने इनको और प्रोग्राम में भी देखा है और आपके साथ भी देखते हैं, लेकिन आप जो नुस्खे बताते हैं घरेलू, वो बहुत अच्छे लगते हैं हमें। और मुझे मेरी समस्या के लिए पूछना था। मेरी कमर में लेफ्ट साइड में बहुत दर्द रहता है नीचे के हिस्से में, और जाम सी हो जाता है, ऐसा लगता है खिंचाव हो रहा है। मैं योगा करती हूँ, योगा से मैंने मेरा नजला भी सही किया, लेकिन योगा करने से मेरे इस जगह में आराम नहीं आ रहा है। जी इस चीज से ठीक पूछना है, आप अपनी उम्र बताइए। ठीक मेरी उम्र 41 साल है। है। अच्छा बेटा, ये योगा से हुआ है आपको। देखिए, योगा करने वाले अलग लोग होते हैं, और अब योगा छोड़ दीजिए। और योगा से कभी नज़ला ठीक नहीं हो सकता। नज़ला एक ऐसी बीमारी है जो उन लोगों को होती है जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी की दवाएं लें तो नज़ला ठीक होता है। अच्छा, इसके लिए आप गौंद स्याह ले लें। एक आता है काला गौंद, गौंद स्याह, ये असली लेना ज़रूरी है। नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है, और ये है तो बस 10-12 रुपए रोज की, रोजाना की खुराक। सस्ता है गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है। और कहीं भी दर्द हो, कमर में हो, टांगों में हो, या किसी की बॉडी पार्ट में, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, नाश्ते और रात को खाने के बाद आप पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या रईस है तो जूस से भी ले सकते हैं। ये आपके तमाम दर्द को का दुश्मन है। ये कितना ही उम्र हो, कितना ही दर्द हो, ऑपरेशन की नौबत हो, इसमें बड़ी कुदरत रखी है ऊपर वाले ने। काला गौन यानी सियाह गौन असली लेना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, हमारे एंकर को पसंद करने के लिए। बहुत शुक्रिया। जी, इसी के साथ ममता है अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी ममता जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, जैसी से बात करनी है। मेरी ना 4 साल से आंखों में पानी जाता है, और धुंधलापन आता, चिकना चिकना पानी जाता है, और गैस बनती है। उम्र क्या है आपकी? 65 साल। ठीक है। और मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और मेरे आधी साइड में ना ये उल्टी तरफ सवाई कल का दर्द होता है, गर्दन तक होता है उल्टे हाथ में। ठीक ये है जी। बीमारी है मुझे, पेट साफ मेरा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत गौर से सुने मेरी बात। देखिए, सर्वाइकल का तो इलाज ये है कि आप ये एक्सरसाइज देखिए, ये आपको दिन भर करें। मेरी तरफ से तो ये हिदायत है कि 3 मिनट करें, लेकिन आप चाहें तो दिन भर कर सकते हैं। ये कान इससे मिलाना है, देखिए ऐसे, इससे मोढ़ा नहीं उठाना है। और औरतें क्या करती है, ऐसा मोढ़ा उठा के ऐसे मिला देती है। नहीं, मोढ़ा वहीं रहे अपना, खावा वहीं रहे, और ऐसे मिलाना है। ये 3 मिनट कम से कम रोज करें, और 3 मिनट ऐसे पूरी तरह मोड़ दें, बिल्कुल दुश्मन समझ के, या ऐसे 3 मिनट करें या इससे ज़्यादा करें। ये सर्वाइकल 10-12 दिन में कहाँ चला गया, आप ढूंढते रह जाएंगे। ये मेरा अनुभव है। और जो बाकी जितने मर्ज आपने बताए हैं, शुगर, पेट की परेशानी और परेशानी, एसिडिटी की परेशानी, इसके लिए जैतून का सिरका ले लें। जैतून का सिरका असली वाला, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम, नाश्ते और रात के खाने के बाद 1 गिलास पानी में मिला के लें। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना चाहिए, शुगर भी कंट्रोल होनी चाहिए, और ये आप लें, चाहें तो जीवन भर लें, ताकि आप सेहत की जिंदगी गुजार सके। क्या ये बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? सतीश। सतीश जी, सतीश जी, सवाल। जी,
बस यही पूछना है कि मेरे नर्स की प्रॉब्लम है, मुझे रात को सोते समय ना कई कई ना जब नब्ज वगैरह चढ़ जाती है ना तो फिर एकदम इतनी दर्द होती है, खड़ा होता है, उसका जो थोड़ा चलता हूँ तो फिर ठीक हो जाता है, फिर आपको नींद प्रॉपरली नहीं इसीलिए आती। आपकी नस पे नस चढ़ जाती है और दर्द होता है? हाँ नहीं, वो नार चढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं नार चढ़ जाती है जी, नाफ जी। अच्छा देखिए, अगर नाफ है तो वो पेट का तो प्रॉब्लम है, तो नाफ अगर है तो उसके लिए ऐसे सीधा ऐसे हाथ कर लें आप, कान से मिला लें और बगैर घुटने मोड़े ऐसे अपना पैर पकड़ें, पकड़ नहीं पाएंगे और कोशिश करें बार बार बगैर घुटने मोड़े अपने पैर छूने की कोशिश करें और बार बार करें, चाहे छुए जाएं या नहीं, या फिर आप किसी पाइप पे ऐसे पकड़ के और उसे अब ऐसे उठाते हैं ना जैसे एक्सरसाइज करते हैं ऐसे, तो इससे आपकी नाफ अपनी जगह पर आ सकती है जी। अगले कॉलर है लखनऊ से, प्रियंका जी स्वागत है आपका जी, बताइए। नमस्ते प्रियंका जी, आदाब जी। ये कहना था कि 7 साल पहले मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद से मेरा पेट जैसे सही नहीं रहता है, पहले स्थिति अलग थी, पहले कुछ भी खाते थे तो पेट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब ये है काफी मैंने दवाएं भी खा ली, उसके बावजूद जब तक दवा खा रहे हैं तब तक तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहती है, लेकिन जब जैसे ही बंद हुआ फिर आप नॉर्मल भी चीजें कभी कभी खाते हैं तो भी आपका पेट खराब हो जाता है, और होता है ना कि सुबह फ्रेश हुए उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दोबारा से खाना पड़ता है, और आपने ऐसा कुछ खाया भी नहीं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, तो ये पेट जो है मतलब जैसे पहले था कि गॉल ब्लैडर से पहले ऑपरेशन होने से पहले बहुत अच्छी कंडीशन थी, और अब ये हो गया है कि आप बहुत इतना खा भी नहीं रहे हो और डर भी बैठ जाता है कि पता नहीं खा लेंगे तो ऐसा ना हो कि फिर से हमारा पेट खराब हो जाए, तो इसके लिए अकीम साहब कोई नुस्खा बताइए जिससे थोड़ा आराम मिले हमें। हाँ देखिए, वाकई ये होता है और गॉल ब्लैडर का काम तो दो चीजें हैं जो गॉल ब्लैडर का काम करती हैं, जिनको भी रिमूव कराने की जरूरत हो गई हो गॉल ब्लैडर की, तो फिर लहसुन और अदरक अपने खाने में इतना इतना डालने लगी है, जैसे खाना बनाते हैं ना तो महिलाओं का यह है कि इतनी सी अदरक डाल दी, इतना सा लहसुन डाल दिया, नहीं, इतना लहसुन और इतनी अदरक डाल दिया करें खाने में, सबके खाने में आएगा, उनको भी फायदा होगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये गॉल ब्लैडर का काम करता है, चर्बी को जलाना, खाने को हजम करना, उसको उसकी जगह पर पहुंचाना, और एसिडिटी, बेचैनी या अनईजी जो आदमी महसूस करता है इससे फायदा होता है। ये घरेलू नुस्खा करके देखें, वरना फिर आपको एक नुस्खा बनाना पड़ेगा, अगर इससे फायदा हो जाए तो फिर बहुत अच्छा, नहीं तो सौंफ, धनिया, आंवला सूखा हुआ और मेथी दाना, ये 200-200 ग्राम खरीदें और इसमें 100 ग्राम या 150 ग्राम रसायन जैतून के नाम से एक चीज़ आती है जिसे नमक जैतून भी कहते हैं, देखने में तो नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता ये, तो इसलिए ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं, 150 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खा लिया करें पानी से, ये आपके पूरे सिस्टम को पेट के वैसा ही कर देगा जैसे गॉल ब्लैडर से पहले आपका था जी। और बहुत आसानी आपके लिए मुमकिन है। अगले कॉलर है दिल्ली से, निर्मला जी स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए।
मैम मेरे को 1 साल से मतलब कमर में दर्द रहता है, और ये कमर का दर्द ही मतलब राइट साइड का जो लेग है उससे लेके और नीचे तक मतलब एडी तक चीजें लगती हैं। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 51। देखिए निर्मला जी, इसी को साइटिका कहते हैं। साइटिका होता क्या है कि हमारे डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती पहले, और जब उसका सही इलाज नहीं मिलता तो ये डिस्क कुछ रगों को दबाने लगती है जो हमारे टांगों की तरफ खून सप्लाई के लिए जाती है। वो खून जो तेज़ी से जाना चाहिए वो ड्रॉप ड्रॉप जाता है, कतरा कतरा जाता है, जिसकी वजह से ये सब परेशानी शुरू हो जाती है। तो एक तो आपका वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ये कुर्सी वाला ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और एक बड़ा अच्छा नुस्खा जो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को घरों तक पहुंचा रहा हूँ, उसे कहते हैं गौंद स्याह। काला गौंद एक आता है जो ज़रा संभल के लेना, नकली भी बहुत मिलता है और बड़ा कड़वा होता है, जायके में बहुत कड़वा, यानी मैंने अपने जीवन में इतनी कड़वी कोई चीज़ नहीं देखी। तो ये 100 ग्राम अगर आपको असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या जूस से भी ले सकते हैं जो लोग डायबिटिक पेशेंट नहीं है। ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले लोगों को रोग मुक्त करता है, ऐसा मेरा अनुभव है। ये रॉ मटेरियल है, लेना चाहिए असली, और बहुत सस्ता पड़ता है गरीबों के लिए, तो बहुत सस्ता है कि और महंगा भी लगता है और सस्ता भी पड़ता है। महंगा इसलिए कि 10-12 हज़ार रुपये किलो मिलता है, सस्ता इसलिए है कि 10-12 रुपये की रोज़ाना की 2 खुराक होती हैं। तो सस्ता भी है महंगा भी है, लेकिन असली मिल गया तो 100 ग्राम काफ़ी है, और सुबह शाम खाएं, फ़ायदा उठाएं। जी किरण कानपुर से अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार, बताइए। मेरे बाएं दाहिने कंधे में मेरे दर्द बहुत हो रहा है 3-4 महीने से। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? मेरी 57। जी, सिर्फ कंधे में दर्द है? हाँ, शुगर भी है मेरे। ठीक है। हाँ देखिए, इस हाथ से कोई ताकत वाला काम ना करें, और अभी मैं बता रहा था गौंद स्याह असली अगर मिल जाए, आधा आधा ग्राम खाना है, और इससे बहुत जोर का काम नहीं करना है, जो भी हाथ में आपकी तकलीफ है मोंडे में, वरना ये बहुत परेशान करता है, ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। गौंद स्याह असली ले लें, नकली बहुत मिलता है, या फिर आप कैप्सूल टी केयर एक कैप्सूल आता है, वो सुबह शाम खाने से भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी विनोद है अगले कॉलर हरिद्वार से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार विनोद जी, सवाल करिए। मैडम टीम साहब जी नमस्कार। जी जय हिंद दादा, बताइए विनोद जी क्या सवाल है? मेरे भांजे की उम्र सर लगभग 8 साल का है सर, वो उसको सर जब भाई बर्थ जो है एक तो अंडरवेट था वो बच्चा, और उसकी शुगर डाउन हो गई थी सर पैदा होने के 3रे दिन बाद ही। ठीक है। तो उसके बाद सर उसको एडमिट कर दिया था इधर हमारे पास जॉली ग्रांट हॉस्पिटल पड़ता है देहरादून के बीच में, तो वहाँ एडमिट था। महीना सवा महीना एंटीबायोटिक का उन लोगों ने कोर्स शुरू किया, तो बच्चा जो है नॉर्मल हो गया था, ठीक हो गया। मतलब अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा उसको तो बैठ भी नहीं पाता था, मतलब लेटा ही रहता था। बैठे तो लग गया सर वो अपना, वो बच्चा जो है इस समय उसकी उम्र जो है प्रेजेंट टाइम में 8 साल या 8+ में है सर वो। बैठने लग गया, मूवमेंट पूरी है उसकी टांगों की, मूवमेंट पूरी है लेकिन चल नहीं पाता सर वो। और जैसे बच्चे उस चल लेते हैं वो घिसके, मतलब अपने घसूटी जिसको कहते हैं वो करके पैरों से चल लेते हैं वो। शुगर का क्या हाल है? शुगर अब ठीक है सर, वो नॉर्मल में आ गई, शुगर भी नॉर्मल आ गया, माइंड भी पूरा उसका काम करता है, दिमाग पूरा भगवान ने उसको दे रखा है सर, एक बोलता भी नहीं है सर वो, मतलब सुनता सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाता सर, कुछ एक वर्ड बोल लेते हैं माँ वगैरह या ऐसे कुछ शब्द बोल लेते हैं लेकिन खुल के बोल भी नहीं पाता सर।
ठीक है ठीक। अच्छा, और दूसरे टांगों की मूवमेंट पूरी है अजीम साहब, मैं आपका प्रोग्राम, मुझे इंटरेस्ट है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह आपके सुनने का, तो मैं काफी दिन से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मुझे मेरे ये शौक है कि एक बार मैं उस बच्चे को आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए बहुत छोटा बच्चा है और थोड़ा सा इसकी दिमाग की ग्रोथ कम है, और दिल्ली में आप सर्च करेंगे हमारे दवाखाने तो दिल्ली में दिखाना पड़ेगा, करोल बाग में भी है और कई जगह पर हैं दिल्ली में, तो वहाँ दिखा दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा, मैं जो ये गौंद सिया वगैरह बताता हूँ ये उसके लिए बहुत भारी पड़ेंगे, या तो ये 12 साल से ज़्यादा का हो तब दे सकते हैं, या मैंने बताया और आपने इसको गलत दे दिया तो नुकसान हो सकते हैं, बहुत तेज़ होता है ये, और मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप या तो 2 अखरोट और 10 किशमिश रोज़ाना एक बार कम से कम खिलाया करें इस बच्चे को, अखरोट छील कर घर में छीलें, अखरोट तोड़ें मतलब, और छिले छिलाए ना लाएं, और इससे ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है इसकी दिमाग की भी और मूवमेंट में भी। और यह माजून अखरोट प्राश आती है वो आधा आधा चम्मच 2 टाइम दे सकते हैं, इस तरह से इलाज करें। 12 साल से ज़्यादा का होगा तो मैं फिर इसको बहुत आसानी से आपको ऐसे नुस्खे बता सकता हूँ जो बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाए।